काफी सरप्राइजिंग पॉइंट है, यहाँ धूप में भी बारिश हो रही है। अभी मैं ट्रांजिट कैंपस पहुंच चुकी। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिस आईटीएन, एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज का वीडियो है वो मैं लंच टाइम से शुरू कर रही हूँ, जो हमारा डे 3 का व्लॉग वीडियो है। जैसा कि हमने चैलेंज लिया था 7 डेज का व्लॉगिंग का, तो उसका डे 3 का ये वीडियो है। सो आज का वीडियो मैं लेट से इसलिए शुरू कर रही हूँ कि सुबह में कुछ खास था नहीं, और अभी मैं अपने डिपार्टमेंट जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक सेमिनार है। बेसिकली ये एक वीकली सेमिनार है जो हफ्ते में एक बार होता है। इसमें एक PhD स्टूडेंट है, वो कुछ प्रेजेंट करता है और बाकी PhD स्टूडेंट बैठ के डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, आप काफ़ी कुछ लर्न करते हो वहाँ से। तो आज मैं TC जाऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको आज TC का थोड़ा कैंपस भी दिखा दूँगी, क्योंकि पहले की वीडियो में मैंने आपको TC का कैंपस नहीं दिखाया है, और सेमिनार भी अटेंड कर लूँगी और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होंगी वहाँ पर वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। सो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि 2:20 की बस है, उससे हमें जाना है। तो उससे पहले हमें लंच भी करना है, तो मैं जाके लंच करती हूँ, देन फिर हम बस पकड़ते हैं और फिर TC चलते हैं, और फिर वहाँ चल के मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, एक्चुअली आज मैं अपनी लैब में बैठी हूँ जो मुझे CSE डिपार्टमेंट में मिली हुई है। तो मैं बेसिकली मुझे ये वाली लैब मिली हुई है, हाँ मैं BTech लैब में बैठती हूँ, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे सिस्टम नहीं है जैसे आप देख सकते हो। तो समटाइम मुझे अगर सिस्टम से काम होता है तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ। सो चलो चलते हैं अभी लंच के लिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मुझे ट्रांजिट कैंपस जाना है क्योंकि वहाँ पे सेमिनार है, तो मैंने अभी लंच वगैरह कर लिया है और बस है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। तो चलो चल के बस में बैठते हैं और मैं आपको ट्रांजिट कैंपस में मिलती हूँ। सो गाइस, जैसे ही हम लोग मेन कैंपस से ट्रांजिट कैंपस जाते हैं और ट्रांजिट कैंपस से मेन कैंपस आते हैं, तो जो हमारी बस है वो मेन गेट से जब निकलती है, तो जो ये स्पाइरल वाला पार्क है जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था कि मैं यहाँ वॉक करने के लिए आती हूँ जनरली, ये मेरा फेवरेट है। और आज सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो ये दिखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था ये व्यू। और बाहर की तरफ जैसे ही हम लोग गेट से बाहर निकलते हैं, तो IIT का काफ़ी बड़ा लोगो इन लोगों ने बना रखा है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी वीडियो में। ये बहुत प्यारा लगता है यहाँ से, आप ये व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है। और ये IIT का लोगो है जैसा आप देख सकते हो। तो ये एरिया है ना, मेरा वन ऑफ फेवरेट एरिया है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ थोड़ा सा। मैं ट्रांजिट कैंपस पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको भी ट्रांजिट कैंपस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाती हूँ। सो चलो चलते हैं उधर। सो ये ट्रांजिट कैंपस का मेन गेट है, और यहाँ से सामने सीधा जाने पर एकेडमिक ब्लॉक आता है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पे अंकल वगैरह से बात कर लेती हूँ। हेलो अंकल। हेलो हेलो, आप वीडियो में आने वाले हो? यूट्यूब में? हाँ। अच्छा, ओके। सो गार्ड अंकल लोगों से मैंने बात कर ली है, और अभी हम एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड है ट्रांजिट कैंपस का, और ऑलरेडी मेन कैंपस का मैंने आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिखाया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग सीधा चलते हैं, तो यहाँ पर ये एकेडमिक बिल्डिंग आती है। पूरे ट्रांजिट कैंपस में एक्चुअली एक ही बिल्डिंग है जिसमें सारे डिपार्टमेंट रन होते हैं। यहाँ पर 4-5 डिपार्टमेंट अभी रन होते हैं, और मैक्सिमम PhD स्कॉलर्स हैं वो अभी इधर ही रह रहे हैं। लाइक 5 डिपार्टमेंट में एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी है, इसके अलावा फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिकल है, और सिविल डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे रन होते हैं। एंड ये मेन एकेडमिक बिल्डिंग की फ्रंट साइड है। पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एकेडमिक लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक खंड। और ये बड़ा सा लोगो लगा रखा है इन्होंने जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने। और जैसे ही हम इस मेन बिल्डिंग में अंदर एंटर होते हैं, तो रिसेप्शन एरिया आता है जहाँ पे 2-3 सोफ़ा लगा रखे हैं इन्होंने बैठने के लिए। सो मैं आपको फुल टूर वीडियो नहीं दूंगी, मैं आपको ऐसे बेसिक्स आइडिया दे रही हूँ कि कहाँ पे क्या है। यहीं पे सारे डिपार्टमेंट हैं, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, और इसके अलावा एक है ऑडिटोरियम भी है जो काफ़ी बड़ा है ऊपर की तरफ। एंड इसके बाद हमारा सेमिनार का टाइम हो रहा था, तो मैं वहाँ पे आ गई जैसा कि आप देख सकते हैं। सो सेमिनार अभी कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ ये है कि जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे धूप हो रही है और फिर भी बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो अभी वीडियो में।
सो जब बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ी देर लैब में बैठ गई और मैंने फिर काम किया है। एंड उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ कैंपस में बाहर घूमने के लिए निकल गई। तो बेसिकली जो ये रोड है वो हॉस्टल गेट की तरफ जाती है और जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसकी बैक साइड है। यहाँ पे ये सामने जो आपको ग्राउंड दिख रहा है वो क्रिकेट ग्राउंड है और ये क्रिकेट ग्राउंड बारिश के टाइम पर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी। और उसके बाद मैं आपको कैंटीन वाला एरिया है वो दिखाती हूँ। और कैंटीन वाले एरिया के जस्ट साथ में ही मेडिकल सेंटर है और उधर से ही गर्ल्स हॉस्टल का एरिया है वो शुरू हो जाता है। तो चलो चलते हैं कैंटीन वाले एरिया की तरफ और आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं कैंटीन वाले एरिया की तरफ जा रही हूँ अभी। और यहाँ पे जो ये पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है ना, वो तो मतलब इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये आवाज़ सुन के, क्योंकि मेन कैंपस में ज़्यादा पेड़ नहीं है तो इतना ज़्यादा पक्षी वगैरह दिखाई नहीं देते हैं वहाँ पर। और फाइनली मैं अभी कैफेटेरिया वाले एरिया में पहुँच चुकी हूँ। ये जो सामने का एरिया है वो कैफेटेरिया है एंड ये हॉस्टल गेट है, जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका गेट है। एंड इसके जस्ट बगल में ये मेडिकल सेंटर है और यहाँ से आपको कैंटीन है वो भी जस्ट बगल में दिखाई देगी, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हो। ये सामने कैफेटेरिया है और जैसे कैफेटेरिया की साइड में और एकेडमिक बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट एंड वॉलीबॉल कोर्ट बने हुए हैं। ये बिल्कुल एकेडमिक ब्लॉक के पीछे की तरफ हैं। यहाँ पे कुछ लैब वगैरह भी बना रखी है इन लोगों ने साइड में। सो बेसिकली मैं ट्रांजिट कैंपस से रिलेटेड आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ट्रांजिट कैंपस बहुत छोटा है लेकिन इसके तीन गेट हैं। लाइक ये सेकेंड नंबर का गेट है और मेन गेट ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखा दिया था। सो जैसे ही हम लोग अब इस रोड पर आगे की तरफ जाते हैं तो ये बॉयज़ हॉस्टल आ रहा है जो सामने दिखाई दे रही है बिल्डिंग। ये बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे इसी हॉस्टल में रहते हैं। और बॉयज़ हॉस्टल के दो विंग हैं और इन दोनों विंग के बीच में एक बिल्डिंग है छोटी सी, जो मेस एरिया है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं अभी। तो ये मेस है जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कॉमन है। और इस तरफ से एक गेट और निकलता है जिसको हॉस्टल गेट बोलते हैं, जो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ अभी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हॉस्टल गेट है। तो जो बस है वो मेन गेट से शुरू होती है और बॉयज़ हॉस्टल का जो गेट है उस साइड से आउट होते हुए मेन कैंपस में आती है। सो इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिट कैंपस की मैक्सिमम चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। हालांकि मैंने ऐसे आपको स्पेसिफाइड फुल टूर वीडियो नहीं दिया है, बट मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी वो सारी दिखा दी है। और ये बाहर हॉस्टल गेट की तरफ ये एक बड़ा सा IIT का इन्होंने बैनर लगा रखा है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड फाइनली मैं बस पकड़ के वापस मेन कैंपस की तरफ जा रही हूँ और वहाँ चल के आपसे मिलती हूँ। गाइज मैं TC से वापस आ गई हूँ और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, सेमिनार भी अच्छा था और TC में जाके भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स से मिलके आई। सो अभी 7 बज रहे हैं और मैं मेन कैंपस पहुँच चुकी हूँ। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको TC का कैंपस कैसा लगा। सो वेदर काफ़ी अच्छा है, मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल MissIITN।